इज ऑलवेज बैक, डोंट वरी। इतनी जल्दी नहीं जाऊंगा सर, चिंता ना कीजिए। अभी मुझे बहुत काम करना है, आप लोगों को भी बहुत काम करना है कि नहीं? उत्तम जी आपको दिक्कत पड़ी, रहा तो ही भाई जी। उत्तम जी अपन लोग कहाँ इतनी जल्दी जाने वाले हैं? मुद्दा ही लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो प्रभु श्री राम चाहे वही होता है। इसलिए दिमाग ना लगाए कोई भी। कृष्णा जी बहुत बहुत धन्यवाद। पीना जी धन्यवाद। कोशिश प्रयास यह है कि आवाज़ बंद की जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप सबकी दुआएं साहब, बिल्कुल हज़ारों साल ही जीने वाला हूँ, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और इन खबरों का सिलसिला भी ऐसे ही चलता रहेगा, ये भी रुकने वाला नहीं है। कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, सोचिए, लेकिन बिल्ली के भाग से छींका नहीं टूटने वाला है, इसलिए दिमाग मत लगाइए। लिख कर भेजा है, चिंता मत करो। सर आप भी गन का लाइसेंस ले लीजिए, गुड टू सी यू सेफ लोन वुल्फ। धन्यवाद राम जी, ठीक है रेस्ट ले लीजिए, दो तीन दिन का कृपया लाइसेंस वाली गन जाए दिए। शक्तिमान अच्छा जी राठौर साहब कह रहे हैं मैं देखता हूँ रोज़ लेकिन कभी कमेंट नहीं किया, आज आपको देखकर अच्छा लगा। श्री राम आपकी रक्षा करे और करेंगे जी। टीना सिंधु जी धन्यवाद, थैंक यू यू आर हियर, होल फैमिली वॉज वेरी वरिड, आई कैन अंडरस्टैंड। टीना जी मोहन जी कहते हैं जय जाकुर राखे श्री साई राम, मार सके ना कोई, बिल्कुल। प्रणव पुरोहित जी धन्यवाद भैया, प्रणव जी। राकेश रंजन राव जी प्रेइंग फॉर योर गुड हेल्थ, धन्यवाद राकेश जी। राजीव कुमार जी आप बहुत कीमती हो हिंदू देश के लिए, महादेव आपकी और आपके परिवार की रक्षा करें, धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। वैष्णव माधवी वैष्णव सो गुड टू सी यू सेफ, प्लीज़ टेक केयर एंड बी केयरफुल, श्योर। एक जी धन्यवाद, आप सुरक्षित हैं, बिल्कुल भगवान राम की कृपा है। हर्ष चौहान जी धन्यवाद, यस अरे वाह हिप्पोपोटामस बना दिया आपने, बढ़िया। आपको सब कुछ देखकर शांति मिली, हर महादेव आप सुरक्षित रहें, यही कामना करते हैं, बिल्कुल धन्यवाद। डीपीएस चौहान जी आप सबकी दुआएं हैं, सुरक्षित ही रहूँगा। दीपक चौहान जी आज का टाइटल देखकर सारी फैमिली ने आपके बारे में बात की और प्रार्थना की, धन्यवाद भैया। वो कल हो गया जो होना था, आज तो सिर्फ गलत फहमियाँ दूर कर रहा हूँ, कुछ लोगों को गलत फहमी हुई थी, बहुत सारे आप लोगों के फ़ोन कॉल्स आप लोगों का प्यार शर्मा थे पर मैं नहीं उठा पाया, माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद द कॉम्प्यूनिटी चंदन शर्मा दरा दिया जय जी कल तो आपने नहीं जी। नवीन सिंह जी धन्यवाद, डराने वाली बात नहीं सर, जो है वो आपको बताना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, आपके साथ भी हो सकता है कल, मैं तो सिर्फ आप ही का एक प्रतिबिंब हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हूँ। आज अगर मेरे साथ हो रहा है तो कल आपके साथ होना तय है, जितनी जल्दी आपको ये बात समझ में आ जाए उतना अच्छा है। सवाल ही उठता है, बहुत सारे लोग कल भी पूछ रहे थे कई जगह, मैंने ट्विटर पर भी देखा शाम को जब मौका मिला थोड़ा बहुत, तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो इसीलिए कहते हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहा करो, पता रहेगा क्या हुआ। राष्ट्रीय पत्रकारिता पे हमला जी, साइबर सिपाही जी बिल्कुल, राष्ट्रीय पत्रकारिता पे हमला ही है, बल्कि राष्ट्रवादी पत्रकारिता पे हमला है, ठीक है कोई बात नहीं, उन्हें अपना काम करने दीजिए, हम अपना काम करेंगे। आ रहा हूँ दीपक बिष्ट जी, सारी बातें करेंगे ना अपन आज, सारी बात करेंगे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ कैसे हुआ, सारी चीज़ों को। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले बताइए, एक दिन ऐसा लगा जैसे बहुत लंबा समय हो गया हो, कल किन्हीं कारणों से नहीं आ पाया, जिन कारणों से नहीं आ पाया वो आपको पता है, नहीं पता तो अभी पता चल जाएंगे। सबसे पहले बताइए आप सब कैसे हैं? मैं तो एकदम ठीक हूँ, आप लोग ठीक हैं? अब ये सब चलता रहता थोड़ा बहुत, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है बॉस, इससे डरना नहीं है, इससे घबराना नहीं है, इससे दबना नहीं है, ये तो चलता रहेगा, तो ऐसा काम ही क्यों करते हो? अब खबरों की बात करोगे तो खबरों में तो रहोगे। भाई जी हमली खबर मिलते ही दिल बैठ गया था, लेकिन विश्वास था कि आप राजपथ से डिगना इतना आसान नहीं। उत्तम जी मुझे तो डिगाना संभव ही नहीं है, एक ही चीज़ संभव है इनके लिए, और वो है कि जो सोच रहे हैं वो ये कर लें, उसमें कामयाब हो जाए, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो संभव नहीं है। मारने का प्रयास वो कर सकते हैं, बचाने वाले भगवान श्री राम हैं, तो जब बचाने वाले भगवान हैं उन पर विश्वास है तो वो अपने प्रयास करते रहें, हमें अपने भगवान पर विश्वास है, ठीक है। मधु जी थैंक गॉड सर यू आर सेफ, जय श्री राम जी बिल्कुल। सनी पटेल जी धन्यवाद भैया। तो खैर क्या पूछूं सबसे पहले, आपको टेंशन फ्री देखकर अच्छा लग रहा है सर, मैं कभी टेंशन में आने वाला आदमी नहीं हूं, मुझे कोई टेंशन में ला ही नहीं सकता, मुझे ये क्या टेंशन में लाएंगे, अरे ये मुझे देखकर टेंशन में आ जाएंगे, ये मुझे टेंशन में नहीं ला सकते, ये इनके बस की बात नहीं है।
क्या सोचे थे, क्या सोचे थे? गब्बर बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा। चलो भाई, प्रयास अच्छा था, असफल हुए, हार्ड लक एंड अगेन हार्ड लक नेक्स्ट टाइम टू। इंदर सिंह जी धन्यवाद। किसी भी राष्ट्रवादी पर हमला हमारे ऊपर हमले के बराबर है, असल ऐसा फील हुआ कल मुझे आप पर हमला हुआ तो। बिल्कुल साहब, बिल्कुल, बहुत अच्छा फील हुआ, ऐसा ही फील होना चाहिए। तो ये तमाम सारी चीज़ें आपके सामने हो रही हैं। आपका एड्रेस कैसे मिला जी आदिमो सर? यही तो चाल है सर, एड्रेस ही तो चाह रहे हैं। अभी हिंदू आईडी से बहुत सारे लोग आएंगे, बोलेंगे किधर हुआ, कहाँ हुआ, मुझे बताओ, जगह बताओ, नहीं बताएंगे। सर, साइड टाइम वी क्रिएट हिंदू डिफेंस सिस्टम, वी नीड आर्म्ड हिंदू आर्मी टू डिफेंड हिंदूज। करण वर्मा जी कुछ ऐसे ही लगता है। स्पंकी ट्रेवल्स कहते हैं महादेव महादेवी आपकी रक्षा करें, धन्यवाद भैया। है ना, अभिषेक फौजी कहते हैं अपना ध्यान रखो, रिटायर होकर आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके छोटे भाई की होगी, ऐसी कि तैसी मार दूंगा, धर्म आपके दुश्मनों के। अरे बिल्कुल टेंशन मत लो सर, आप फौजी हो, मैं कौन सा कम फौजी हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और हम लोग तो वैसे भी गोली बम बंदूक इन सबसे कब डरने वाले हैं, इनसे डरेंगे क्या? इनसे डरेंगे तो काम कैसे करेंगे? और हमारा काम क्या है? हमारा काम है समाज को जागृत करना। जागृत कैसे करना? जो समाज में घट रहा है उन घटनाओं को आपके सामने एज इट इज पेश करना, यानी वो न्यूज़ देना। अब उस न्यूज़ से किसी को समस्या होती है, उस न्यूज़ से किसी को, रोहित जी धन्यवाद, उस न्यूज़ से किसी को प्रॉब्लम होती है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि आप करोगे और हम न्यूज़ भी नहीं दिखाएंगे, ऐसा ऐसी दादागिरी चलेगी तो ये तो संभव नहीं है, ये तो नहीं हो पाएगा, मेरे जीते जी नहीं हो पाएगा। और मैं इतनी जल्दी जाने वाला नहीं हूँ, ये भी आप दिमाग में लगा लीजिए, बैठा लीजिए इसको दिमाग में, अच्छा रहेगा, काम आएगा। राम जी सुरक्षा का आपके साथ रहे, कल का दिन कैसे कटा हम जानते हैं। मोहन शर्मा जी मैं समझ सकता हूँ। निमेश देव जी कहते हैं आप पर जिसने हमला किया, जी चलिए, तो क्या समझ में आता है कल की घटना से? कल की घटना से यह समझ में आता है कि जब मुझे से कोई नहीं छोड़ा जा रहा तो आपको क्या छोड़ा जाएगा? सर हुआ क्या? आई डोंट नो एनी ऑफ दिस, देवांग जी पूछते हैं। प्रशांत कुमार जी धन्यवाद। देखिए देवांग जी, लगता है आपने वो यूट्यूब चैनल जो है टेलीग्राम का उसको सब्सक्राइब नहीं कर रखा, बहरहाल उस पर भी हमने बताया नहीं था। ठीक है, आइए सबसे पहले जिनको नहीं पता उनको बता दें क्या हुआ भाई। ये FIR है, ये मुकदमा दर्ज हुआ। ठीक है, क्यों मुकदमा दर्ज हुआ, ऐसे ऐसे मुकदमा दर्ज हुआ और क्यों हुआ, किस पर दर्ज हुआ, ये नंबर मेरा लिखा ही हुआ, आपको समझ में आ गया होगा, यही नंबर है। ठीक है, तो मेरा ही मुकदमा किसी और का नहीं है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ना भाई FIR नहीं दिखी हमको, फलाना नहीं दिखा, तो उन सब के लिए बिल्कुल लेकर आया हूँ भाई, ये मेरा ही नंबर है ना FIR में, ये FIR की कॉपी है, ये मेरा नंबर है। जो चाह रहे हो उसको मैंने पहले हटा दिया है, तो टेंशन मत लेना, वो नहीं मिलने वाला जो आप चाह रहे हो। ठीक है, नाम देख लो, ये लिखा है नितिन शुक्ला, ठीक, तसल्ली, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे, ठीक है, प्रॉब्लम हमारे साथ में प्रॉब्लम है कि हम अपने घर के व्यक्ति पर सबसे पहले उंगली उठा देते हैं, बाहर हिम्मत नहीं है, उनसे बोलने की हिम्मत नहीं है, पजामा गीला हो जाएगा, लेकिन अपने घर के व्यक्ति पर उंगली पहले उठाना, ऐसे कहूँ वहाँ किधर हुआ, मैंने तो देखा ही नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे लोग होते हैं ना। नितिन जी आप सब पारिवारिक लोग हैं, किस कारण दब जाते हैं? हाँ हमें बताएं हम आपके साथ कैसे खड़े हो सकते, जादी को अपने परिवार से प्यार नहीं होता, हमें कौन सा है, ये कौन गलत फहमी पाल के बैठा कि हमको परिवार से प्यार है। शिव कुमार कहते हैं नमस्कार सर, हमको सिर्फ देश से प्यार है, देश का परिवार ही हमारा परिवार है, कल से चिंता, मेरे पिताजी विश्वास नहीं होगा कि जादी कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे तो गद्दारों की फाड़ते रहिए, हर हर महादेव। देबू पटेल जी, श्रीमान जी नॉट श्योर हाउ टू प्रोटेक्ट यू, आऊँगा सर, सब पर बताऊँगा। राजेश सिंह जादौन जी, नितिन सर अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना, धन्यवाद। देबू पटेल जी और जितने भी और लोग हैं सबसे निवेदन है, एक निवेदन एक मिनट पहले कर दूँ, नहीं तो ये बार बार कन्फ्यूजन चलता रहेगा। वॉट हैपन्स ना, आप वहाँ से दोगे उसमें से 55% इधर उधर चला जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो जिसको भी देना है ना, ये तमाम सारे ऑप्शन है कॉन्ट्रीब्यूशन के, 8770720196, गूगल पे, पेटीएम, फोनपे, भीम UPI एड्रेस है, nshuklan@upi, पेट्रियन पर भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, यदि भारत के बाहर हैं तो पेपाल से दीजिए, paypal.me/nitinshuklaGWL पर, ये पेपाल पर दीजिए आप, यहाँ जितना भी देंगे ना तो 50% इधर उधर चला जाएगा, कोई 55% कोई फायदा नहीं मिलेगा ना, 40% प्लस अभी 15% टैक्स और लगा दिया, तो इट्स ऑफ नो गुड यूज है ना। नीतीश बोल कहते हैं जय श्री राम नितिन भैया, सो हैप्पी टू सी यू सेफ एंड साउंड, वी लव यू, धन्यवाद नीतीश जी। प्लीज सूची कहते हैं VPN लगा के लाइव चलाओ दादा, वैसे IP एक्स्ट्रा करना जाहिलों के बस की बात नहीं। सर इनका नहीं बचा पाया, हम शिवजी के भक्त पूरी दुनिया को बचा लेते हैं, वैसे भी अरे अपना नाम तो लिख लो PP जी, इतनी हंसी आ रही है, इतने बड़े बड़े कमेंट करते हो, नाम लिखा करो, अपना नाम लिख कर आया करो मेरी। नवीन कहते जी धन्यवाद। सूर्यकांत वर्मा के, दिस ऑल प्रूव दैट वी एवर न्यूज यू गिव इज जेन्युइन एंड यू शुड डू सम अरेंजमेंट फॉर योर सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस को लेकर काफ़ी लोग चिंतित हैं, सही बात है। सुनील वर्मा कहते हैं जेदी डजंट केयर ऑफ लॉ, हाउ वी रिप्लाई स्ट्रांगली, ये बिल्कुल सही बात है सुनील वर्मा जी, दे डोंट केयर फॉर योर लॉ,
आप अपना लॉ अपनी पॉकेट में रख लें, उन्हें जो करना होता है वो करके दिखा देते हैं और हम लोग फेल हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी प्रॉब्लम है ना। सो पेपाल इज बेस्ट, यस पेपाल इज बेस्ट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, राइट। सो नाउ द पॉइंट इज कि क्या हुआ उस पर आ जाते हैं। कुछ लोगों को FIR देखने का शौक था, कुछ लोग FIR को लेकर, हमारे ही लोग और उधर के तो हैं। अब हो सकता है वो जो हमारे नाम रखकर आए वो उधर के ही हों, नाम हमारा रखकर आ गए रखे हूँ। तब फिर क्या हुआ, तब प्रकरण ये हुआ, ये है किसके खिलाफ है, अजीज खान के खिलाफ। आइए, फरियादी नितिन शुक्ला निवासी, मैं हमराही फलान फलान हुआ क्या कि विक्रम टेम्पो नंबर इतना इतना अनियंत्रित हो गया चलाते हुए, मेरे दरवाजे पर आकर मुझे मेरे ऊपर चढ़ाने की कोशिश करनी चला पाया क्षतिग्रस्त। अब यहाँ पर आके मेन जो है वो यहाँ आता है, देखिए, मुझे माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ देते हुए मारने को झपटा और बोला, अब मैं इस शब्द को नहीं बोल पाऊँगा, मैं तुझे जानता हूँ, तू पत्रकार है और मुसलमानों के खिलाफ सबसे ज़्यादा खबरें ज़्यादा दिखाता है, और वहाँ पड़ा पत्थर उठाकर मेरे सिर पर मारा। ठीक है साहब, तो ये है, तो सारी समस्या किससे है कि मुझे जानते हो और मैं तुम्हारे खिलाफ खबर ज़्यादा दिखाता हूँ। भाई मैं तो खबर सबकी दिखाता हूँ, तुम्हारी ज़्यादा आती तो ज़्यादा दिखाता हूँ, तुम्हारी क्राइम की ज़्यादा आती तो ज़्यादा दिखानी पड़ती है। 20% में 80% क्राइम में जो आपने अभिषेक जी धन्यवाद जो आपका जो रिकॉर्ड है तो किसी और का हो ही नहीं सकता। तो खबर दिखाओगे तो जान से जाओगे, मुद्दे की बात है। फिर क्या, राजेश चौबे जी धन्यवाद, नाम से लाइव किया, बहुत सारे हिंदू यूट्यूबर ने भी आपके साथ जुड़े जियादी को दिखाया, हम सभी हिंदू एक हैं। बिल्कुल डेफिनेटली सर, सभी एक है ना। तब क्या हुआ, तब यह है कि क्यों आखिर ऐसी प्रॉब्लम, अबाराव जी धन्यवाद, क्यों आखिर इतनी प्रॉब्लम क्यों है, सच देखने में इतना दर्द क्यों है, सच देखने में इतना दिक्कत क्यों है, हम सच ही तो दिखाते हैं। मनोहर लाल जी धन्यवाद, हमने क्या दिखाया, हमने कोई न्यूज़ अपनी तरफ से बना के दिखाई, आज तक कोई न्यूज़ हमने अपनी तरफ से बनाकर दिखाई नहीं, जो छपी है वही दिखाई, जो प्रिंट हुई है वही दिखाई, जो मीडिया में आई वही दिखाई। मतलब अब ये दादागिरी है कि आप कुछ भी करोगे और हम उसको दिखाएंगे भी नहीं, उसको बताएंगे भी नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका मतलब ये हुआ इस समाज को सोते रहने दो, उसको जगाने का प्रयास करोगे तो जान से जाओगे। ओके ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आप लोगों की बातें, पर अफसोस ऐसा हो नहीं पाएगा, वेरी सॉरी, यू कैन ट्राई योर लेवल बेस्ट, दोबारा तिबारा चौबारा अभी करोगे आप, मुझे भी पता आप करोगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी उसके लिए भी तैयार हूँ, मुझे उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं अपने इस रास्ते से तो हटने वाला नहीं हूँ, नहीं ये अंगद का पाँव है बॉस, जम गया ये नहीं हिलेगा, आप कितने प्रयास और कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो। चैलेंज सिंह प्रयास, जय श्री राम, बिल्कुल अपना ध्यान रखें भैया, तो ये प्रयास फालतू जा रहे हैं आपके जी। निरंजन जी धन्यवाद, शैलेश सावंत जी, चक दे फट्टे नब दे गिल्ली, तो भाई जो प्रयास हैं वो प्रयास किस चीज़ के हैं कि तू बहुत खबर दिखाता हमारे खिलाफ में, कितनी दिखाता हूँ, तुम्हारे लिए तो 5 मिनट भी नहीं देता हूँ, बाकी खबरों को मैं 1.5 घंटा देता हूँ, 1 घंटा 25 मिनट देता हूँ, 5 मिनट में ये हाल है, 5 मिनट में ये हाल है, तो अगर आधा घंटा देते तब क्या होता। स्टे सेफ सर, प्लीज़ टेक केयर, वी आर विद यू, धन्यवाद नूरुल हक जी। तो 5 मिनट में जब ये हाल हो गया, इतने रेटल्ड हो गए कि आपको मुझे मारने आना पड़ रहा है, तो अब इसको बढ़ाकर हम 10 मिनट कर दे रहे हैं। अब वो जो सेक्शन है वो 10 मिनट का रहेगा और उसमें एनालिसिस भी होगा, अभी तक एनालिसिस नहीं होता था, अब उसका एनालिसिस भी होगा। ऑलराइट, और गलत जगह ट्राई किया हमने, कितनी बार बताया, हम अलग मिट्टी के बने हुए लोग हैं भाई, इन चीज़ों से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, आप हमें और पकाते जा रहे हो, हम तो मिट्टी हैं कच्ची, आप उसको और हीट देते चले जा रहे हो, हम तो पक्का घड़े होते चले जा रहे हैं, और जब पक्का घड़ा हो जाता तब क्या होता है, तब वही होता है जो मैं अभी आपसे कह रहा हूँ। इस 5 मिनट के स्लॉट को अब बढ़ाकर 10 मिनट किया जाएगा, आई मेक श्योर कि मैं इसको 10 मिनट करूँ, एंड आई मेक श्योर कि मैं इसमें पूरा एनालिसिस भी दूँ। ठीक है, आप अपना ट्राई कर सकते हो, और ट्राई करो, और दम लगाओ, और कोशिश करो, इस बार और अच्छे से करना। सत्य के साथ आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल नरेश जी, अभी आदमी नहीं छोड़ेगा, हाँ नरेंद्र जोशी जी, अभी आदमी नहीं छोड़ेगा, गलत जगह हाथ डाल दिया बाबा, किसने बोला था, मैंने बोला था मेरे ऊपर हमला करो, मैंने बोला मुझे जान से मारने का प्रयास करो, करा तुमने, अपना काम करा, मेरा काम क्या है, मेरा काम है खबरें दिखाना, मैं खबरें दिखाऊंगा, सच्ची दिखाऊंगा, झूठी नहीं दिखाऊंगा, तुम लोगों की तरह फेक नहीं बनाऊंगा,
है ना, संविधान की किताब हाथ में लेके संविधान तोड़ने वाला काम नहीं करूंगा, देश का झंडा हाथ में लेके देश की शान झुकाने वाला काम नहीं करते, हमारे यहाँ वो काम नहीं होते, हमारे यहाँ पीठ में छुरा घोंपने वाले काम नहीं होते, ये जिनके होते हैं उन्होंने कल करके दिखा दिया। पर क्या हुआ, राम जी ने फिर भी बचा लिया। भगवान राम बोले, बोले अभी तेरे को बहुत काम करना नितिन शुक्ला, अभी इतनी जल्दी नहीं। ठीक है, किरण सर जी कहते भाई वी आर वेरी हैप्पी टू सी यू बैक, वी हैव बीन चंटिंग महामृत्युंजय मंत्र फॉर योर सिंस लर्न द न्यूज़ अबाउट यू, प्लीज टेक केयर ऑफ योर। हिरेन शाह जी, बस आपके महामृत्युंजय जाप का ही कमाल है, आप सबकी दुआओं का कमाल है, आप सबकी प्रार्थनाओं का कमाल है, और ये प्रार्थनाएं दुआएं जब तक है तब तक तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, तब तक ये लाख कोशिश कर ले और इससे भी ज़्यादा कोशिश कर ले तभी कुछ नहीं होने वाला। आप हमले करते रहिए, आप हमले करते रहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमारा काम बदस्तूर जारी रहेगा। ये हमले भी इसलिए हो रहे ताकि हम अपने काम को नहीं कर पाए, अपने काम से हट जाएँ, पथभ्रष्ट हो जाएँ, वो हम होने वाले नहीं हैं, इसलिए वो भी ट्राई मत कीजिए। अभी किसी का फ़ोन आया था मेरे पास में कुछ दिन पहले ही, वो बोली थी कि अपन लाइव करेंगे और यहाँ लाइव हो गया दूसरा। गुमी कैट, भगवान आपको सुरक्षित रखे, धन्यवाद भैया। वरुण कुमार, चंबल का पानी अब ओरिजिनल तासीर दिखाएगा, ये हुई ना बात। शिव कुमार जी धन्यवाद। चलिए भाई, तो खैर उनका प्रयास है कि आप जो न्यूज़ दिखाते हो इसको मत दिखाओ, और हमारा प्रयास है कि न्यूज़ तो चलती रहेगी। हमने पहले भी कहा, फिर से बता दें एक बार फिर से, आखिरी सांस तक देश के लिए धर्म के लिए हम काम करते रहेंगे, हम देशद्रोहियों से लड़ते रहेंगे, हम धर्मद्रोहियों से लड़ते रहेंगे, हमारा जो काम है बदस्तूर जारी रहेगा, आंधी आए तूफान तो भी जारी रहेगा, सर रहे सर कट जाए तो भी जारी रहेगा, हम तो उनमें से हैं जिनके सर कट जाते हो तो भी लड़ते रहते हो, सुना है ना वो कहानियाँ, नहीं वो असली है। टेंशन मत लो, टेंशन लेना बेकार है, आप लोगों की टेंशन फिजूल है, और मैं इतने आराम से आज यहाँ बैठा हूँ आपके इतने हमले के बाद भी, इस बात का सबूत है कि हमारे हौसले, अभी ऐसी कोई चट्टान बनी नहीं कि मुझसे कंपैरिजन करके बता दूँ आपको, इतने बुलंद हैं। ठीक, आप जितनी जल्दी समझ लें उतना, बिल्कुल अभी तो बहुत सारी बुलेट्स इंतज़ार कर रही हैं साहब, बहुत सारी बुलेट्स इंतज़ार कर रही हैं, और कोई फ़ायदा नहीं है, उस पर भी हमारा किसी एक पर नाम लिखा है, और जिस पर लिखा है वो जब आनी है तभी आएगी, उसकी टेंशन मत लो। जीवन एक दिन तो समाप्त होना ही है, कभी ना कभी तो होना ही है, तो कुछ अच्छा करके हो, इसमें सोचने की क्या बात है, इसमें विचार करने की क्या बात है, अरे तो सबको एक ना एक दिन जाना है, उसमें सोचो अरे ऐसा अरे ऐसा, कोई टेंशन मत लो, सब दबंगी से काम करो, और डरने की जरूरत नहीं है। इवन जीसस टुक थ्री डेज यू टुक वन बाय वन डे, राधे राधे, धन्यवाद सभा शर्मा जी। ठीक है ना, अपने टिकट साहब की भाषा में बोलूँ, रात को डरने की बात नहीं, रात आप, ठीक है ना, तो कोई डरने की बात नहीं, सब लड़के दमदारी से काम, सब दमदारी से काम करो, कोई डरने की जरूरत नहीं किसी से, कोई हाथ नहीं लगा सकता, कोई बाल बांका नहीं कर सकता, भगवान राम में विश्वास रखो, कोई कुछ नहीं कर सकता। प्रणाम नितिन जी, एक दिन एक युग जैसा भी था, मुझे भी बड़ा वो लगा, आज भी मेरी इच्छा नहीं थी लेकिन आज काफ़ी सारी बातें हो रही थी, मैंने कहा चलो आज मैं लाइव, कितने शरीफ लोग आप लोग, एक बात तो माननी पड़ेगी, आज कितनी शराफत में बैठे सारे लोग, बिल्कुल आ जाओ सब लोग बैठ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ बैठ जाओ, चुप चुप, आज इंपॉर्टेंट मुद्दा है, लाइक कर दो टुक टुक, बाद में चिल्लाएगा, चलो अच्छी बात है। मनीष अग्रवाल जी, अपना ख्याल रखिए, रखिए नितिन जी, बिल्कुल मनीष अग्रवाल जी, पूरा ख्याल रखूंगा। तो सवाल ये है इस बात का कि क्या हम न्यूज़ दिखाएं या नहीं दिखाएं, नहीं दिखाने का तो सवाल ही नहीं उठता, न्यूज़ तो आएगी, और ऐसा तो है नहीं कि पहली बार ऐसा हो रहा है, सरकारों ने भी प्रयास किए, पत्रकारों पर हमले तो हमेशा से होते रहे, कोई नई बात नहीं है, तो हमको इतना चिंतित इतना विचलित नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, भगवान की कृपा है, थैंक गॉड योरसेल्फ, हाँ अभिषेक प्रताप सिंह जी, आपको करना क्या चाहिए, आप चिंता कर रहे हो, आपको चिंता नहीं करना चाहिए, आपको सब्स्टिट्यूट ढूंढना चाहिए था इस एक दिन में जो आपने चिंता करी, आपको चिंता नहीं करनी है, आपको सब्स्टिट्यूट ढूंढना है, इस चैनल पर दूसरा कौन आदमी आएगा अगर ये चला गया तो, आपको ये करनी है चिंता, आपने मेरी चिंता करी इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, पर आपको ऐसा कोई बोलने वाला नहीं मिलेगा कि मेरी चिंता मत करो, इसकी चिंता करो, यहां दूसरा कौन आदमी खड़ा होगा, ये नितिन शुक्ला आएंगे और जाएंगे, विचारधारा वहीं रहेगी, कितने आएंगे कितने जाएंगे, कितने आए कितने चले गए, इसकी चिंता मत करो, इसका सब्स्टिट्यूट कौन है, पीछे लाइन लगी होनी चाहिए, लाइन, एक गया दूसरा, दूसरा गया तीसरा, तीसरा गया चौथा, चौथा गया पांचवा, पांचवा गया छठा, छठा गया सातवा, सातवा गया आठवा, आठवा गया नौवा, नौवा गया दसवा, दसवा गया ग्यारहवा, इट शुड बी नेवर एंडिंग लाइन, अपना ख्याल रखो, नहीं मेरे पीछे एक और भेजो, आगे नहीं, आगे तो मैं हूं सीना लेकर, पीछे चाहिए, मेरे बाद कौन, क्या कहता हूं, ये मशाल इसी तरह जलती रहनी चाहिए, ये मशाल नहीं बुझनी चाहिए, वो हाथ में नितिन शुक्ला हो गया किसी और के हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक काम नहीं रोकना चाहिए, इस चीज़ की चिंता हमको करनी है, हमको ये चिंता नहीं करनी,
हाँ ठीक है, अपने को बचाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, वो जितना भगवान राम चाहेंगे, जितना काम लिखा हुआ, जितना यश लिखा हुआ, उतना काम करेंगे, नहीं कर पाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पीछे कोई दूसरा उस काम को आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए। और इसके लिए हमको क्या चाहिए, इसके लिए हमको आपकी ज़रूरत है, जो आप वहाँ बैठ कर लाइक कर रहे हो, देख रहे हो, हमको आप इधर चाहिए हो, इस तरफ, उस तरफ में, ठीक है। पूरा जगह आशीर्वाद इंसाफ जरूर होगा, सूर्य जैसा तेज रहे आप पर, छत्रपति शिवाजी महाराज, भारत का सच्चा सिपाही, राजा हरिश्चंद सच्चाई आप में। धन्यवाद स्वप्निल जी, इतना सारा लंबा कमेंट आपने लिखा, स्टोन जी धन्यवाद, डबल स्टोन, ठीक है। पायल पटेल कहते गॉड ब्लेस यू सर, हर हर महादेव, धन्यवाद। ओम प्रकाश शर्मा जी कहते भाई आप शस्त्र के साथ शस्त्र भी रखना पड़ेगा, बिल्कुल। नमस्ते, कैसे हैं आप, बढ़िया हूँ हेमंत शाह जी, फर्स्ट क्लास। सुरेश असद जी, सर यू आर वेरी ब्रेव पर्सन एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, बोल्ड जी, बिल्कुल सुरेश जी। तो साहब अब स्थिति ये आ गई कि अब हमला घर तक होने लगा, घर पर अंदर आकर हमला होने लगा, ठीक है। तो इस चीज़ की तो आप चिंता छोड़ दीजिए कि आप बहुत ज़्यादा कोई प्रोटेक्शन ये सारा वो सारा करेंगे, क्योंकि उनका काम है वो करना, हमारा काम है अपना काम करना, हम अपना काम करेंगे, ठीक है। और अपना काम क्या है, अपना काम ये है कि हम अपना काम करें, साथ ही साथ ये भी इसका भी ध्यान रखें कि हमारे बाद कौन, ठीक है। तो मैं रहूँ ना रहूँ ये चैनल चलता रहेगा भाई, ठीक है ना। नितिन नरेंद्र जी ने एक काम अच्छा किया, हिंदुओं को बता दिया तुम लावारिस हो, मैं लेकिन अगर नितिन शुक्ला गिरा तो ज़मीन। ईशान खत्री जी, मुझे तो आप ये बताइए, मेरे बाद आप यहाँ आ रहे हो क्या सीट पर, इस सीट को मेरे बाद एक और आदमी की ज़रूरत पड़ेगी, वो कौन है, किसी ने नहीं कहा आपसे सीट पर बैठने के लिए, कोई नहीं कह रहा आप आइए यहाँ काम कीजिए, ये हमारी और आपकी खुद की इच्छा है कि हम इस देश के लिए काम करें, देश के लिए काम करेंगे तो ये तो होगा, देशद्रोही तो आपके ऊपर इस प्रकार से हमला करेंगे, तो उसके लिए हमको तैयार रहना चाहिए, उसमें सोच और विचार कैसा, जिस दिन इस काम को करने आया उसी दिन पहले ही दिन हम तो ये मान कर चले थे ये तो एक ना एक दिन होगा। राजपूत जी, माँ भवानी, मैं रहूँ ना रहूँ भारत ही रहना चाहिए, एब्सोल्युटली, रिंगटोन भी मेरी शायद यही है ना, मैं रहूँ ना रहूँ भारत ही रहना चाहिए। इतना ज़्यादा हमें इस बात की करनी है, मन दुखी, अरे विकास शुक्ला जी मन दुखी मत किया करो यार, मस्त रहा करो, मेरा मन दुखी है क्या, नहीं है ना, इतने सबके बावजूद कुछ है क्या, नहीं है ना, आराम से मुस्कुरा रहे ना, आराम से बैठे हैं ना, फिर क्यों टेंशन लियो, अरे सीने में गोली भी लगी होगी तब भी नितिन शुक्ला ऐसे ही बैठा होगा, आप टेंशन मत लेना, तब भी फ़र्क नहीं आएगा, प्रयास करें जिसको जितने। मंजुला जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता कोई माइंडसेट शहीद वाला नहीं है, यहाँ पर माइंडसेट बहुत क्लियर है, हमने ये काम जारी रखना है, जितना आप हमको दबाओगे उतना करें, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ये कोई मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ, बहुत बार होता रहा है, ये बात अलग है कि आप लोगों को पहली बार मालूम चला तो आप लोगों को एकदम से धक्का लगा होगा, ऐसा लगा होगा, और कल संभव था भी नहीं मेरे लिए लाइव करना, आज भी इच्छा नहीं थी, पर मालूम चला कि नहीं भाई कुछ लोगों ने लाइव किया, कुछ लोगों ने बोला, तो उस वजह से एकदम से फ़ोन कॉल से बम्पर बाढ़ सी आ गई, तो फिर मेरे लिए भी ज़रूरी हो गया कि मैं आप सबके सामने आऊँ और आपको बताऊँ कि मैं भगवान राम की कृपा से ठीक हूँ। प्रणाम सर, आपका एड्रेस कैसे मिला, हाँ ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही भाई, यही तो बात है। शुभम जी कहते हैं अरे कुछ लोग बहुत स्मार्ट है ना सर, कमेंट में डालेंगे इधर के उधर के, वो ओवर स्मार्ट है, उनको एड्रेस दुनिया को बताना होता, उन्होंने बताना होता मेरा पड़ोसी है, पड़ोसी बताने के चक्कर में भले वो दूसरे की हत्या करवा दें, पर उनको ये बताना बहुत आवश्यक है, फलां आदमी को मैं जानता हूँ ये मेरा पड़ोसी है, उसमें भले आपकी हत्या होती हो जाए, ये इतने स्मार्ट हमारे लोग हैं, हमारे समाज के लोग, कमाल है। काकवाणी को ढूंढने के लिए सालों लग गए थे, तब ढूंढ पाई थी पुलिस, हमारे यहाँ तो हमारा पड़ोसी एड्रेस देता है, अरे मैं जानता हूँ, ये बात ठीक है, लेकिन पता है जनता कैसी होती है, देखती रहती है ऐसे ऐसे, करती कुछ नहीं है, सिर्फ देखते हैं, ये हमारे हमारे हिंदुओं की बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है, देखते रहते हैं, अच्छा ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, दैट्स इट, गुड नहीं वाला, वैसे ये सबसे अच्छा तरीका है ढूंढने का, ये बहुत अच्छा तरीका होता है, बैंक का एड्रेस दे दो, फिर फंडिंग कर दी, फिर हम मिलने आ रहे हैं, और उस मिलने में आदमी नहीं पड़ जाता, तो मेरा आप सब जितने भी चैनल चलाने वाले लोग हैं उन सबसे मेरा एक निवेदन है, नितिन जी आपको नमन, धन्यवाद बालचंद्र जी, जितने भी चैनल चलाने वाले बच्चे हैं जो बड़े भी हैं या मेरे बराबर के, उन सबसे मेरा एक निवेदन है, एक चीज़ से बहुत बचकर चलिएगा, फंडिंग के नाम पर आपको व्यक्ति बोलेगा कि मैं आपकी फंडिंग कर रहा हूँ, आपको पैसे देने हैं, आप अपना बैंक अकाउंट बता दो, आप मुझे अपना नंबर बता दो, आप मुझे अपना एड्रेस दे दो, भाई साहब बैंक में डाल रहा हूँ एड्रेस नहीं मिल रहा, एड्रेस बता दीजिए, ये गलती आप कर जाएंगे, मैंने ये गलती नहीं करी इसके बाद भी हाल है, पर इस गलती से बचिएगा। दूसरी बात, कोई बोलेगा मैंने आपको इतना पैसा 50,000 डाल दिया, 1,00,000 डाल दिया, आप खुश होगा एकदम, और इतना सारा, फिर वो व्यक्ति बोलेगा मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ, आप सोच लो, इसलिए इन सब चीज़ों से हमको बचना होगा। हर बार जब एक अच्छा बैट्समैन जाता है तो उससे और अच्छा बैट्समैन मिलता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, लेकिन इससे पहले हम नॉट आउट पारी तो बहुत अच्छे से खेल ही जाएंगे, उसको कोई नहीं रोक पाएगा, तो क्या, लेट्स कम बैक। तो साहब ये रही आपकी FIR,
जिसके अंदर आपको सब कुछ ऑलरेडी है ही, ठीक है ना। चोट कहाँ कहाँ आई, गले पे आई, सीने में आई, तमाम सारी और जगह आई, तो ठीक है ये चलेगा। गला दबाने का प्रयास करेगा कोई आदमी तो गले में चोट आना स्वाभाविक है, ठीक है, होता है। ये चीज़ें अभी आगे और भी बढ़ेंगी। तो इस पूरे एपिसोड में क्या हुआ, जल्दी से एक एपिसोड बता देते हैं। काओ ठाकुर जी, बचलिए गब्बर को ख़त्म करके ही मानोगे? बिल्कुल जी, एकदम ना। तो हुआ क्या, ज़रा उसको बता दो जिन लोगों को अभी तक नहीं मालूम। हुआ ये कि मैं अपने दरवाजे पे खड़ा, अचानक से टैप हुआ था तेज़ गति से, धम से मेरे ऊपर चढ़ाने की कोशिश करता, स्लिप हो जाता रैंप, तो रैंप पे से स्लिप हो जाता, बगल में गाड़ी में ठोक देता है। मैं जब तक उसे बोलता हूँ ये क्या किया क्या नहीं किया, तब तक कहानी बदल जाती है। मैं गाड़ी देखता हूँ और वो अपने हाथ पीछे कर लेता है। मुझे थोड़ा शक होता है, उसके हाथ में मुझे बहुत करीब था, तो मैं थोड़ा सा दूर हो जाता हूँ उससे। अगर थोड़ा और उतना ही करीब रहता तो एक हाथ वो पीछे लगाता और पत्थर सीधे मेरे मुंह पे ऐसे धम से मारता दाड़ा, तो मैं ऑन द स्पॉट ख़त्म हो जाता। खैर नहीं लगा पाया वो, तो उसने पत्थर मेरे सिर को एम करते हुए धमाक से मारा मेरे मुंह पे, क्योंकि मैं पहले से ही थोड़ा सचेत था। मैं फटाक से झुक गया, पत्थर बच गया। मैं क्योंकि घर के दरवाजे पर ही था, तो मैं अंदर आ गया, अंदर आके वीडियो बनाने लगा। उसने मेरा मोबाइल छीन लिया, मारपीट शुरू हो गई, वो मैंने मोबाइल वापस ले लिया है। तमाम सारी घटनाएं हुई। इस सब के बाद जो होता है वो जरा आप समझिए। सब के बाद में पुलिस आती है, पहले तो नंबर ही नहीं लगता, फिर जैसे तैसे आती है पुलिस, आती है, एक दूसरी जगह की गाड़ी आ जाती है, फिर वो उस संबंधित थाने की गाड़ी को बुलाते हैं, आते हैं, कुछ नहीं हुआ रे साहब, तो नॉर्मल है ऐसा वैसा, रफा दफा जो हर बार चलता है। ये सब कहानी चलती रही। प्लीज़ टेक केयर। मुझे लगता है जैसे आप लोग पोल खोलते हैं आपके दुश्मन बहुत होंगे, बिल्कुल देशभक्त जी। तो ये सारी कहानी चलती रही। इस बीच में जब मुझे मतलब वो बंदा गया नहीं, ऐसे नहीं वो चला गया, आधे घंटे वो बंदा आराम से खड़ा हो गया पुलिस वालों के सामने, धमकी देता रहा, मैं चाकू से मार दूंगा सामने सामने। लेकिन वो तो बाद में, उससे पहले उसने मारा, बोला तो बहुत वीडियो बनाता है वो, उसने मारने मारने का प्रयास किया, बच गया। उसके बाद पुलिस आई, बीच में जो छूट गया था वो। तो फिर ये सारा चलता रहा, एंड इट वाज लाइक यू नो कि निकल लो। तो इसके बाद में पुलिस आती है, और उसके बाद में जब ये सब होता, तो बट ऑब्वियस है थोड़ी देर में भी फ़ोन लगाऊंगा तो मेरे भी कुछ मित्र यार वगैरह आ गए। जैसे ही वो आते हैं, तब बड़ी मज़ेदार बात ये देखिए, नहीं इनको लगता है कि मतलब इस घटना से मैं मेरा मेंटल बैलेंस खो गया होगा, मैं अपना मतलब मैं उतना विटी नहीं रहूँगा। तो ऐसी गलत फहमी मत पाला करो ना, हम तो तुम्हारी हमेशा मारने के लिए तैयार रहते हैं, रेड है ना। तो जब ये सारी घटना हुई, जब सारे लोग आ गए, तो बड़ी मज़ेदार बात हुई। ASI जो वहाँ पर आया था, वो ASI उनसे खुद बोलता है, जब वो गालियाँ दे रहा था लगातार, धमकी दे, बोले ऐसे नहीं मानेगा, मारो जूते साले को। और जैसे ही वो मारने लगते हैं, क्योंकि सबने टीका लगा रखा था, किसी ने भगवा मफलर या वो गमछा लगा रखा था, तो उसने एक टारगेट बनाया। जैसे ही वो मारने लगे, उसने धीरे से इशारा किया और पीछे से हवलदार साहब बनाना शुरू हो गए वीडियो। मैंने कहा रुको, मैंने कहा ये तो वीडियो बना रहे हैं। तो सारे के सारे चढ़ बैठे, बोले अभी आपने तो बोला मारने के लिए, आप ही तो बोल रहे हो मारो, और आप हमारी वीडियो बना रहे हो। पर्पज़ क्या था? पर्पज़ ये था कि जब नाम पता चल गया अजीज़ खान, पहले तो नाम मालूम चल गया अजीज़ खान, अच्छा, तो उन्होंने दो एक तीर से कई निशाने किए, ये तो टेम्पो का ड्राइवर है, इससे तो कुछ मिलेगा नहीं, एक काम करो, एक गाड़ी वालों को फंसा लो, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों से आए, इनको फंसा लो, इनकी रिकॉर्डिंग बन जाएगी। तब फिर हम क्या करेंगे, इनकी रिकॉर्डिंग बन जाएगी, तब हम ये कहेंगे ये देखो आप लोग मार रहे थे, आपके खिलाफ मुकदमा होगा, लाओ 50,000 55,000 60,000 100,000 जुगाड़ बनाएंगे आपके। ये उनके मन में था, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो पाया, बीच में ही रुक गए, घिर गए वो साहब। दूसरा एक और पर्पज सॉल्व हो रहा था कि भगवा गमछा है, मारने वाला जो मारने मेरी हत्या करने आया उसका नाम अजीज़ खान है, तो बड़ा आसान है। फिर कह देंगे कि जय श्री राम नहीं बोल रहा था इसलिए मारा, ये नहीं बताएंगे कि वो मुझे मारने आया था, मेरी हत्या करने आया था नहीं बताएंगे, वो जय श्री राम नहीं बोल रहा था इसलिए, एक नई कहानी गढ़ देंगे, इसलिए वीडियो बन रहा था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। बहरहाल मामला गरमा गया, गरमाने के बाद पुलिस गाड़ी गाड़ी थाने लेके गई, हम लोग भी थाने गए, SHO और जितने अधिकारी थे, CSP एडिशनल SP, इन लोगों ने, इनको मामला समझ में आया, उन्होंने तुरंत उन्होंने संज्ञान लिया, FIR हो गई। वो सारे लोग समझदार थे, ये डेढ़ सियाने थे, ज़्यादा समझदार थे ASI साहब। तो ऐसे लोग आपको बहुत जगह मिलेंगे। मैं अपनी घटना इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता होना चाहिए, जब आपसे कोई बोले ना पुलिस वाला कि हाँ इसको जूते लगाओ, कभी मत लगाना, क्योंकि पीछे से हवलदार आपकी वीडियो बना रहा होगा। ये मैंने कल देख लिया, बहुत अच्छी तरह से देख लिया। तो ये एक चेहरा एक और है जो लोअर लेवल पुलिस में मिलता है। हालांकि ऑफिसर्स थे जितने भी थे, SHO थे, CSP थे, एडिशनल SP थे, सभी ने अच्छी मदद करी, बात को सुना, समझा और उस तरीके से कार्रवाई भी करी। तो ठीक है, ऐसा भी होता है, लेकिन इससे बच के हमको चलना है, स्पेशली जब आप भगवा गमछा उड़े हो। अभी आपने देखा ना कैसे कैसे कहानियाँ लगने, जय श्री राम बोलो, ऐसा बोलो, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, उसलिए मार दिया, उसलिए मार दिया। ये कहानियाँ यहाँ पे भी बनने वाली है, पर अफसोस बन नहीं पाई। तो पुलिस क्रिमिनल की साइड क्यों लेती थी, मुझे ये समझ नहीं है, क्यों लेती है मुझे समझ नहीं है देशभक्त जी, समझाता हूँ। तो शाह जी कहते हैं हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद द पुलिस रिस्पॉन्स। देखिए लोअर लेवल पुलिस जो पहले आई थी गाड़ी, उससे मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था। हायर जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने बात को सुना, समझा और उन्होंने उस पर एक्ट भी किया,
तो उससे मैं काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड हूँ। हालांकि जो धाराएं लगनी चाहिए वो धाराएं नहीं लगी, उसके लिए अभी हम और प्रयास करेंगे। जागो, अब तो जागो, बेवकूफ़ की हद हो चुकी है। अपने पड़ोसी के बारे में बताने के बजाय दुश्मनों पर निगाह रखो, नेशन बस, बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो खैर ये है, आज सब में सबसे मज़ेदार बात क्या है, सबसे मज़ेदार बात यह है कि जब ऐसी कोई घटना होती है तब आस पड़ोस में लोग सिर्फ देखते रहते हैं, कोई बोलता भी नहीं अरे ये क्या कर रहे हो। इसके विपरीत जब आप उनके इलाके में जाते हो तो सब उतर आते हैं एक झटके के अंदर। तो ऐसा क्यों है? तो सबसे पहले हमको अपने माइंडसेट में बदलाव लाना है। कोई अगर आपसे बोले कि मेरे पड़ोसी के साथ ऐसा हुआ, उसको कोई आके गाली दे रहा है, या उसको ऐसा हो रहा है, उसको कोई मार रहा है, और आप जब आप ये सुन रहे हो ऑफिस में या कहीं भी, तो आप उससे पूछा करो तुमने क्या किया। और अगर वो व्यक्ति बोले कि मैं तो देख रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, तो उससे दोस्ती रखने से कोई फायदा नहीं है। वो जब आप पिटोगे तब भी ऐसी देख रहा होगा, इसलिए उससे दोस्ती तोड़ दो। क्योंकि हमको ये बदलाव लाना है, दोस्ती इसलिए नहीं तोड़नी कि हमको उसको अलग करना है, हमको बदलाव लाना है, उसको ये एहसास कराना कि भाई तुम गलत हो, तुमको अपने पड़ोसी की रक्षा करनी है। पड़ोसी अगर सुरक्षित होगा तो तुम सुरक्षित खुद ब खुद हो जाओगे। तो ये हमको थोड़ा सा एक बदलाव लाने की आवश्यकता है, ये हमको लोगों को सिखाना है। तो ये चीज़ आएगी, धीरे धीरे आएगी, समाज में बदलाव धीरे धीरे आता है। जब मैं पहली बार आया था तब आप लोगों की सोच ऐसी थी जैसी आज है, आज राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति आप लोगों की सोच पहले ऐसी थी क्या? नहीं थी, धीरे धीरे करके आई। जब मैंने बोला राम मंदिर के लिए डोनेशन चाहिए तो कितने की रसीद आई थी? 11 रुपये की, 101 की। फिर यहाँ मैंने इतना लताड़ा ताड़ा आप सबको, है ना, अपना समझ के इतना झगड़ा आप लोगों से, तब फिर कितने आए? 4 करोड़। ठीक है ना, तो ये फ़र्क पड़ता है। एक दिन में बदलाव नहीं आता, बदलाव बहुत लंबे समय पर आता है, धीरे धीरे धीरे, सतत प्रयास, लगातार लगे रहना पड़ता है, है ना। तो वो आएगा बदलाव धीरे धीरे, आप लोग अगर लगे रहेंगे तो आएगा बदलाव। अच्छा, कितने लोगों ने, जैसे मैंने बोला था, ऑफिस में तनख्वाह मिलते ही भले ही 100 का नोट, लेकिन आपने निकालना है, टेबल पर रखना है, और पर्स अपना साइड में रख के जोर जोर से हाथ जोड़कर भगवान की को धन्यवाद देना है कि भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, आज आपकी कृपा से मुझे ये सैलरी मिली है। कितने लोगों ने किया? इतनी मैं लगातार बार बार बोल रहा था। और वो पैसा आपको धर्म के लिए देना है, कहीं भी देना है। कितने लोग करते हैं इसको? हमको धीरे धीरे बदलाव लाना है। शर्माएंगे तो बदलाव नहीं आ पाएगा, बेशरम होकर करेंगे तो बदलाव होगा। क्योंकि शर्म बताती ना हम लोग, मैं ऐसे करूँगा सब लोग देख रहे होंगे उनके साथ। जय श्री राम। बिल्कुल मंजुला जी, देशभक्त, CCTV लगवा लो सर घर के बाहर। सर उससे भी क्या होने वाला है, लगा रहेगा, कुछ होना थोड़ी, जान थोड़ी बच जाएगी। सर बाबा का बरा, इसलिए छोड़ो सर, अपने दम पर ज़िंदगी जिएंगे। इतना है, पहली जब भी आपको सैलरी मिले आप एक हिस्सा उसमें से निकालिए, जो आपका मन करे, 10%, 5%, 2%, 1%, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, जो भी हो, ठीक है, तो उसको रखना है। और उसको उसी प्रकार से बदलाव धीरे धीरे आएगा। इसी प्रकार से आपका पड़ोसी यदि बोलता, तो पड़ोसी को मजबूत करना ये हमारा दायित्व है, हमारा फ़र्ज़ है, हमको करना चाहिए। जब हम करेंगे तो हमारी स्थिति बदली हुई दिखेगी, अदरवाइज ये चलता रहेगा, है ना, और फिर बड़ा मुश्किल होगा, फिर कैसे करेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ ज्ञान देने वाले बहुत सारे लोग हैं, देख रहा हूँ बहुत सारे लोग ज्ञान दे रहे हैं। मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे सहयोग समर्थन चाहिए। ज़मीन पर कितने लोग काम करेंगे ये बताओ, सोशल मीडिया पर कितने काम करेंगे ये बताओ, कमेंट नहीं, मेरी तरह काम, मेरी तरह होता है, सामने आकर काम कितने करेंगे, ज़मीन पर काम कितने करेंगे। कुछ ऐसे होते सामने नहीं आ पाते, वो कहते हैं हम तो पीछे से फाइनेंस की रीढ़ की हड्डी बनेंगे। वो करो, ये मत बताओ सर ये कर लो वो कर लो, वो हमको पता है हमको क्या करना है, डोंट वरी, हमको आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है ना सर। अभी इकोसिस्टम लेवल पर गाइड करो आप, कैसे कैसे अपने लेवल पर कंट्रीब्यूट करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल, इकोसिस्टम भी बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, एक संगठन भी बनाएंगे। इट्स हाई टाइम, अब वो समय आ गया है जब हमको एक संगठन बनाना चाहिए। मैं आप लोगों से कहता ना अभी समय नहीं आया, आने दो आने दो, लेकिन अब वो समय आ गया। बहुत जल्दी हम आपको पूरा बताएंगे किस तरह से संगठन बनेगा, क्या होगा, कितने लोग जोड़े जाएंगे, कैसे कैसे जुड़ेंगे, वो सारी चीज़ें करेंगे। क्योंकि अब वो समय आ गया है, बिकॉज अब तो जो है, नाउ यू कैन नॉट हेल्प इट, इट्स लाइक यू नो, एक कहते हैं ना कि तुम युद्ध को चुनो ना चुनो, युद्ध ने तुम्हें चुन लिया है। तो कुछ इस प्रकार की बात है कि आप चाहे चाहो ना चाहो, अब तो भाई आपके दरवाजे आ चुके हैं। अच्छा, ऐसा क्योंकि वाई डू दे वॉन्ट, ये सारे जितने भी जो आपके यूट्यूबर्स हैं इनको क्यों टारगेट पर लिया गया? एक मैसेज देना है कि जो तुम्हारे जो फ्लैग बेयरर्स हैं हमने इन्हीं को उड़ा दिया, तो तुम किस खेत की मूली हो। तो एक मैसेज देने के लिए बड़े लोगों को टारगेट इसलिए किया जाता है, जो इनको ज़्यादा लोग देखते हैं उनको टारगेट इसलिए किया जाता है कि आपको मैसेज दिया जाए कि भाई हमने मैसेज दे दिया, देखो ये बहुत बोलता था ना, ठंडा कर दिया, नितिन शुक्ला बहुत बोलता था, मर गया, और आप क्या करोगे, RIP रिप 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 करके निकल लोगे। तो उसको बदलाव लाना है इन चीज़ों में। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम मुझसे थोड़ी है, प्रॉब्लम आपसे। मैं आपकी आवाज़ उठाता हूँ, मैं आपकी आवाज़ बनता हूँ, आपकी आवाज़ उठ रही है इसलिए प्रॉब्लम है। जब आपकी आवाज़ उठेगी तो प्रॉब्लम वहाँ आ जाएगी। प्रॉब्लम क्या आ जाएगी कि भाई आपकी आवाज़ उठ रही है तो पता चल रहा है आप पिट रहे हो, मैं बता रहा हूँ आप पिट रहे हो, ये प्रॉब्लम है। तो आपकी आवाज़ जो है उसको दबाना है। तो आपकी आवाज़ को दबाने का तरीका क्या, भाई शांत कर दो, तो आपकी आवाज़ तो वैसे ही दब गई, फिर कल जब आपको पीटेंगे तो आपकी आवाज़ उठाने वाला कोई होगा ही नहीं, क्योंकि उठाने वाला है इसको चुप करा दो, ये वैसे तो चुप होने वाला नहीं है, पैसे से भी नहीं हो रहा, दबाव से भी नहीं हो रहा, किसी तरह से नहीं हो रहा। तो कंकंग की गुगा चुप करा दो, ये चीज़ है।
डीसीएम कहते हैं कोशिश करेंगे। आप धन्यवाद नितिन जी पुलिस के बारे में बताने के लिए, लोकल पुलिस आपकी दुश्मन है सर। सभी जगह ही हाल है जी, कहाँ नहीं है बताइए। लोकल पुलिस नहीं, लोकल पुलिस ने मेरी हेल्प करी, ऑफिसर्स ने तो हेल्प करी। वो भाई साहब असल में कहीं बाहर से आए हुए थे, उन्हें लगा जुगाड़ बना लो। ठीक है, अच्छी बात है। ये हमारी भनभन साहत है कि हमने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी, बाकी उनकी सारी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। इसको जूते मारो कहते हुए वाली भी है, सब कुछ है, पर फिर भी हमने कहा चलो जाने दो। अब इसके बाद थाने पहुंचने के बाद भी, थाने में बंद होने के बाद भी वो बंदा बोलता है बाहर आऊंगा नहीं, क्या बाहर आऊंगा, छूटूंगा उसी दिन तेरे को गोली मारूंगा। कमाल है, कमाल है साहब। आतंकी हमला फिर हो सकता है, निजी गार्ड रखें विकास पाल जी। विकास पाल जी निजी गार्ड तो मैं रख लूंगा, पैसे कहाँ से आएंगे, तनख्वाह कौन देगा हर महीने की। हाँ ये बात जरूर सही है, सभी राष्ट्रवादियों को निजी गार्ड रखने चाहिए। राजेश्वरी तोमर जी धन्यवाद, जय श्री राम, आप कृपा करें। हाँ अब इसके बाद में दो चीज़ें बनती है, एक तो ये कि हम काम करें या ना करें, नहीं करें तो भाई वो तो अपने मंसूबे में वैसे ही सफल हो गए, और अगर करते हैं तो फिर कैसे सुरक्षा करोगे अपनी। तो जब तक कर सकते हैं तब तक तो कर ही रहे हैं, जब तक जिंदा है तब तक तो कर ही रहे हैं, वो तो क्लियर है। अब एक वाली बात ये जो अभी जो बात आई है, अब हमारे दिमाग में भी है, हाँ गार्ड रखने की। तो यू नीड टू हैव एटलीस्ट 2-3 बाउंसर्स, या 3-4 बाउंसर आप जितने भी रखोगे। तो दैट पॉइंट इज कि हाउ विल यू मैनेज देम, उनको आप मैनेज करोगे कैसे, हर मंथ की उनकी सैलरी दोगे कैसे, ना ये चीज़ आती है फिर इसके बाद। कहीं ये पॉलिटिकल अटैक तो नहीं था अनिश जी, फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता। संकल्प सिंह जी बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के घूमा आप, कुछ नाम संकल्प सिंह जी, अच्छा जी, आनंद कुमार शुक्ला जी धन्यवाद। ठीक है ना, सो फॉर दैट उसके लिए कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो हाँ जो ये इस बात का बीड़ा उठाएं कि भाई ठीक है जो सिक्योरिटी है इसको हम वहन करते हैं, बिकॉज वो आपको सोचना है, वो मेरा काम नहीं। मेरा काम है मेरा काम करना, मेरी सिक्योरिटी करनी है नहीं करनी है, मैं ऐसे चलूँ वैसे चलूँ, वो आपको सोचना मुझे नहीं सोचना, ये आपका दायित्व मेरा थोड़ी है। कैसे होता है घर में काम बटा होता है, कैसे होता है काम बटा हुआ, आदमी कमाने जाता है औरत घर में खाना बनाती है, तो आदमी ये नहीं बोलता कि वो अपना काम से काम रखता है, मैं कमाने जा रहा हूँ, लौट के आके खाना मिलता है खाता है, नहीं मिलेगा तो बीमार पड़ जाएगा, काम खत्म हो जाएगा उसका, तो नुकसान किसका होगा, नुकसान उसी औरत का हो जाएगा, है ना। तो हमारे इस घर में भी काम बटा हुआ है, सबके अपने अपने, मेरा अपना काम है आपका अपना काम है, मुझे जो करना मैं वो करूँगा, आपको क्या करना वो आपको सोचना मुझे नहीं। समझ वाले कब्जा इंक्रीज कर रहे हैं क्या करूँ, दम से लड़िए साहिल जी, पुलिस में कंप्लेंट कीजिए, किस जिले से उसको बताइए, हमसे जो मदद हो सके कि हम आपकी मदद वहाँ भी करेंगे ना। ठीक है ना जी, धन्यवाद भैया। वाई कैंट पुलिस सिक्योरिटी प्रोवाइडेड टू यू, प्लीज़ फाइल एन एप्लीकेशन, माँ शक्ति जी। ठीक है, अच्छी बात है ना, तो हज़ारों एप्लीकेशन आती है माँ शक्ति जी, और कोई किसी को नहीं देता, जिसकी पॉलिटिकल अप्रोच होती है ना उसको मिलती है। ठीक है, ऐसे नहीं मिलती पुलिस सिक्योरिटी। ठीक है, फिर भी चलिए उसकी फ़ोटो शेयर करो प्लीज़। करेंगे, वो भी करेंगे, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, इन्वेस्टिगेशन में हमने कायदे से तो ये भी नहीं बतानी चाहिए थी FIR, फिर भी हमने आप लोगों को बता दी, बट इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, पूरा हो जाएगा, फिर उसके बाद में फोटो वोटो जो कुछ शेयर करना होगा वो जरूर बताएंगे ना। ठीक है सर, आप डरिएगा मत, हम आपके आप जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। चलो नहीं डरूंगा, आपने कह दिया तो नहीं डरूंगा। आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मैं डर गया या मुझे डर लग सकता है, ऐसे कितने लोगों को लगता है, जरा यहाँ तो उठा दो फटाफट। हाँ अरे भाई, डर के आगे नितिन शुक्ला नाम मत ले देना, डर डर जाता है। हाँ ठीक है, इसको याद रखिएगा, डर के आगे नितिन शुक्ला मत नाम रख देना, कभी लिख मत देना, बोल मत देना, दिखा मत देना डर को, डर डर जाएगा, है ना, और जब डर डर जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक, किसी माँ ने अभी ऐसा लाल नहीं जना जो मुझे डरा सके, किसी माँ ने अभी ऐसा पैदा नहीं किया बच्चा जो मुझे डरा सके, जब होगा तो मुझे मालूम चल जाएगी, आप उसकी चिंता मत करो। हर हर महादेव, दुष्ट का विनाश होगा जी, धन्यवाद जी सी जी। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये जो चिरकुट प्रयास है, थर्ड ग्रेड प्रयास है, कोई फर्क नहीं करता इधर भाई। ठीक है भाई जी, आपके वीडियो सुनकर मेरी बेटी ने राष्ट्रवादी मुहिम चालू कर दी, आज वो भी बहुत गुस्से में थी। अरे ये तो अच्छी बात है, चलो कुछ फ़ायदा हो गया तो भाई, ऐसा है ना, दो चार हमले ऐसे तो और हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। उत्तम जी बहुत बहुत सुकून मिला मुझे, बहुत बढ़िया, बिटिया रानी को बहुत ढेर सारा आशीर्वाद सर, मैं आप मेरा मैं ग्राउंड पर काम कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया, शाबाश शिव कुमार जी। देखिए क्या होता है, अब जैसे उत्तम जी ने बताया, गुस्सा आया, बहुत बुरा लगा, आया गुस्सा, फिर क्या किया, उन्होंने भी काम शुरू कर दिया,
यही हमको चाहिए है। गुस्सा आया, हमने ट्विटर पे लिखा, इस पे लिखा, वो ठीक है, सब चीज़ें सही है, लेकिन उस गुस्से का सदुपयोग करना भी तो आना चाहिए। आप वहाँ पर अपने लेवल पे काम शुरू करें, यही तो हम भी चाहते हैं और यही होना चाहिए, यही सही तरीके से देखा जाए तो काम करने का तरीका भी है। तो ये सब चलता रहेगा यार दोस्तों, ये सब चलता रहेगा, इससे ना डरना है, ना घबराना है, ना हिलना है, ना डुलना है। अपन मोटी खाल के लोग हैं भाई, अंगद का वो पैर है जिधर रख दिया सो रख दिया, जिसने जो करना करता रहे, हमने जो करना है वो करते रहेंगे। इस बात को स्पष्ट समझ लें सब लोग। हमने क्या कहा, 5 मिनट का सेक्शन था, दिक्कत हुई, दर्द हुआ, हमला किया, 10 मिनट का कर देंगे, ठीक है, हैप्पी, अब 10 मिनट झेलो, ठीक है, ठीक है ना। तो बॉस देखो, एक सिंपल सी बात आप लोग समझें, इसलिए आपको पॉलिटिक्स में आना चाहिए। अरे काम सब कुछ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स से क्या होता है, बैठे इतने सारे पॉलिटिशियन कुछ कर रहे हैं वोट के लिए, फिर आदमी को सब करना पड़ता है, झुकता है। हम जैसा आदमी वोट के लिए झुकेगा, जो इतनी दबंगी से आपके सामने यहाँ बैठा है वो वोट के लिए झुकेगा आपको लगता है, और हम जैसे को जनता वोट देगी नहीं, हजम नहीं होगा। ईमानदार आदमी, इनको चोर चाहिए, बेईमान चाहिए, जो बेईमानी करे इनके लिए तो ठीक है, अपने लिए करे ओ भ्रष्टाचारी है, ऐसा ईमानदार हजम हो ही नहीं सकता। रविंद पटेल जी कहते हैं, नितिन जी, योर एफर्ट्स टू वेकनिंग हिंदूज आर आउटस्टैंडिंग एंड दिस इज द रीजन, टेक केयर, कीप मोर सेफ्टी। जी रविंद जी बिल्कुल, धन्यवाद सर, अब हमारी हिम्मत हो, बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, चलिए। तो खैर आप झेल लेंगे, पर फैमिली डर जाती है। हाँ, पर मेरा फैमिली भी थोड़ी मेरे जैसी हो चुकी है, रंग में रंग चुकी है, वो भी ऐसी हो चुके हैं, उन्हें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, तो सभी ऐसे हमारे यहाँ, टेंशन मत लो आप, बच्चा भी ऐसे ही है, निकाल लठ बाहर आ जाता है, सटाक, कौन आया रे, क्या बात है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, हम उनमें से नहीं है, जो इतनी यार कोई गाजर मूली थोड़ी है कि कोई काट के खा जाएगा, कष्ट देने वाले लोग हैं हम लोग बहुत, ठीक है। तो खैर, हाँ कहाँ थे, हाँ तो मुद्दे की बात यह है कि बॉस देखो, ये सब चलता रहेगा, ये चीज़ें चलती रहेंगी, ये न्यूज़ भी इसी प्रकार से चलती रहेगी, और आप सबको भी इसी प्रकार से काम करते रहना। आज आपको क्या सबक मिलता है, क्या समझ में आता है आपको, इतना सब होने के बावजूद, जब जानलेवा हमला हो जाता है उसके बावजूद हम अपने काम पे वहीं के वहीं डटे हुए हैं, आपको क्या करना, आप इससे कुछ प्रेरणा मिली, कुछ समझ में आया। ये लाइव इसलिए नहीं हो रहा कि उन्होंने मेरे ऊपर हमला हो गया, ऐसा हो गया, वो बताने के लिए दिमाग से निकाल दो। ये लाइव इसलिए हो रहा है कि कुछ भी होता रहे, वहाँ आप चढ़ी थी ना एकदम, याद है, सिर दुख रहा है, लाइव तब भी हुआ, हमला हो गया, लाइव अभी भी हो रहा है, कल भी होगा, ICU के बेड से भी ये लाइव होगा बॉस, तब भी नहीं रुकेगा। इससे हमको क्या समझ में आता है, इससे हमको ये समझ में आता है कि हमको हर समय अपने राष्ट्र के प्रति काम लगातार करते रहना है, अपनी प्रतिबद्धता, अपनी कटिबद्धता, अपने राष्ट्र के प्रति हर समय समर्पित रखनी है, समर्पण चाहिए। ऐसा नहीं कर रहा हूं मैं यहां कर, ये मेरा समर्पण है, ठीक है ना, इसमें कोई घमंड वाली बात नहीं, ये समर्पण है। और जब आप समर्पण करते हो तो फिर बात एक अलग होती है, फिर अंदर से मजा आता है काम करने में, आप करके देखिए आपको ही मजा आएगा, है ना। तो देश के लिए रहेगा ये बात, हर व्यक्ति, हर देशद्रोही, हर जिहादी अपने दिमाग में अच्छी तरह, हर आतंकवादी अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा ले, ये काम इसी प्रकार से जारी रहेगा, ये नहीं रुकने वाला है, जितनी जल्दी समझ में आया उतना अच्छा है, ठीक है। इसलिए इसको ट्राई करना बेकार है, बिल्कुल गलत ट्राई कर रहे हो, ठीक है सर लोग, हाँ बिल्कुल सही बात है। चलिए तो अब कहाँ, तो आपको जो समझ में आया बात, ठीक है, FIR दर्ज हो चुकी, और इससे पूर्व में भी ऐसा नहीं, कोई पहली बार ऐसा हुआ, इससे पूर्व में भी कश्मीरी जिहादी भी दे चुका जान से मारने की धमकी, बाकायदा कश्मीरी जिहादी आया मारने का मुझे प्रयास किया, वहाँ से गया, उस पर भी धारा 153 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था, है ना। पूर्व में कश्मीरी जिहादी बकार भट्टी आया था, उसने नितिन शुक्ला को गोली मारने की धमकी देते हुए वीडियो भी बनाया था, रेलवे स्टेशन पर बनाया गया वीडियो, शहर में खूब वायरल हुआ था। इस मामले में बकार भट्टी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। तो पूर्व में भी हो चुका, ठीक है ना, इससे पहले भी हो चुका, आरोपी ने थाने में दी धमकी, छूट कर आया तो मार दूंगा गोली, अजीज खान के हौसले इतने बुलंद है, ये न्यूज़ में आपको दिखा रहा हूँ ना, लोग बोले न्यूज़ में नहीं आया, तो ये न्यूज़ ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो साहब ये है, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, कभी कोई कश्मीर से जिहादी आ जाता है वो मारने आ जाता है, कभी हमारे बच्चे से साइकिल छुड़ा ली जाती है उसको मारने का प्रयास होता है, वो लेकर भाग जाते हैं, अभी ये हमला नया, तो ये चलता रहेगा बॉस, बिकॉज यू आर इन टू सच अ प्रोफेशन दैट आप न्यूज़ लोगों को दे रहे हो, आप लोगों को जगा रहे हो, आप लोगों को बता रहे हो ये नहीं करना है, उनका ये कहना है और आप उसको नहीं मान रहे हो, तो ये तो होता रहेगा, लगातार होता रहेगा, वो लगातार करते रहेंगे और हम लगातार इसको सहते रहेंगे। सो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ये चला आ रहा है, कई सालों से चला आ रहा है, और हम करते रहेंगे,
हम अपना काम करते रहेंगे। डिसलाइक वालों की लिस्ट निकलवाने से पता चल जाएगा किसने करवाया हमला, ये भी एक अच्छा आइडिया है, इस पर भी ध्यान देंगे। तब क्या, तब ये कि हम अपना काम इसी प्रकार से जारी रखेंगे, आपका सपोर्ट रहेगा तो हम सिक्योरिटी भी ले पाएंगे। हाँ, लेनी पड़ेगी, ये बात एक स्पष्ट हो गई आज, एक बात समझ में आ गई, आपको अपने प्राइवेट सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, यू हैव टू पे फॉर दैट। करेंगे, करना पड़ेगा, उसको भी करेंगे, है ना। सुभाष चंद्र बोस हुआ, लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग को नहीं छोड़ा उन्होंने, आपको बहुत लहत रहे हैं, हम सब इसको कैसे मदद कर सकते हैं, आपको सिक्योर रखें, बता रहा हूँ शुभरोग जी, शुभदीप रे जी, धन्यवाद, है ना, वही बता रहा हूँ ना। तो ये तमाम सारी चीज़ें, आपकी जय हो, विजय हो, धन्यवाद भैया, आज तो लाइक ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, हाँ तो ठीक है, 3 डिसलाइक कम होगा ये बात बोलते ही, नहीं, वो तो सर, वो तो उन्होंने एक बार भी बटन दबाया तो वो रिकॉर्ड में रहेगा, वो चाहे डिसलाइक हटा लें चाहे रखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट हाँ ये एक तरीका सही है, आपने हमने आपको बताया, हम इसको देंगे पुलिस को, है ना, इसको देंगे कि भैया ये डिसलाइक है, हमें इन पर शक है, ये भी हम पर हत्या का प्रयास करा सकते हैं, तो हम उसको देंगे, करेंगे उसको, तो पुलिस उनसे इन्वेस्टिगेट करेगी, लिखेगी यूट्यूब को, कानून बदल चुका, यूट्यूब को देना पड़ेगा, हु आर द, वो लोग कौन है जो डिसलाइक कर रहे हैं, उनके आईपी एड्रेस कहाँ है, कहाँ पर हैं वो लोग, तो पुलिस अपना अपनी कार्रवाई करेगी, हमारा काम है बताना, हम अपने तरफ से बता देंगे, आप लोगों ने आइडिया दिया तो आइडिया हम कल जरूर उनको दे देंगे, और भविष्य में भी इसी प्रकार से काम चलता रहेगा, न्यूज़ ऐसे ही चलती रहेगी, न्यूज़ नहीं रुकने वाली है, राइट, क्लियर हो गया। अब देखेंगे सिक्योरिटी को लेकर बात है, उस सिक्योरिटी को लेकर हम बात करेंगे कभी, है ना। दिस इज़ वेरी सीरियस एंड डेंजरस ट्रेंड फॉर दीज जाली टोपी वाले, सुरेश जी बिल्कुल, किरीट नथवानी वेरी प्राउड ऑफ यू सर, धन्यवाद किरीट नथवानी जी, है ना सर, प्राउड की कोई बात नहीं, मैं तो सर अपना काम कर रहा हूँ, मेरा काम है इस राष्ट्र की सेवा, देश की सेवा, मैं वो कर रहा हूँ। अब इसमें बहुत सारे लोग आएंगे, और कोई मैं पहला थोड़ी हूँ, हज़ारों लोगों के ऊपर ऐसे हमले हुए, मेरी किस्मत अच्छी है मैं बच गया, बहुत सारे लोगों की किस्मत अच्छी नहीं थी तो आज इस दुनिया में नहीं है, क्यों आप भूल गए, क्या नाम था वो पुजारी का, दैट पुजारी सरनेम था, फूल बेच रहा था ना अपने दुकान पर था ना, अपने नॉर्मल अपने दुकान कर रहा था, दुकान से निकाल के काट दिया था चौराहे पर, बीच सड़क पर, भूल गए आप उसको, कमलेश तिवारी को भूल गए, कितने हज़ारों लोग हमारे केरल में मार दिए गए, हज़ारों लोग मार दिए गए, बंगाल में कितने लोग मार दिए गए, सो डरना थोड़ी है, डरना थोड़ी है, रुकना थोड़ी है, यही तो आपको बताया जा रहा है कि आपको ऐसा डरा दिया जाएगा, आपको चुप रहिए, आप साइड में हो जाइए, आप बोलिए मत, लेकिन हम ना डरेंगे ना दबेंगे, जो होगा सो देखेंगे, उसमें क्या बात है, क्या बोलूँ, ये KSI आकर बोलता है कि जूते लगाओ फिर पीछे से वीडियो बनाने लगते हैं, जब आप ये सब चीज़ें इस्तेमाल करोगे तब तो पता नहीं क्या करेंगे, पर कोई बात नहीं, जब आवश्यकता पड़ेगी तो उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। प्रशांत पुजारी, यस प्रशांत पुजारी, याद आ गया नाम, ठीक है, तो ये है, तो ठीक है सब, ये चीज़ें चल रही हैं और ये चलती रहेंगी, राजीव दीक्षित जी की भी हत्या हुई थी, आशुतोष रहते कहते गजब हिम्मत है आप में, मैं अब आपको क्या बताऊं, मैं अगर अब व्हाट्सएप चैट खोलूंगा, व्हाट्सएप की अपनी चैट खोलूंगा, मेरे बचपन के दोस्तों का एक ग्रुप है, कल मैं उसमें आपको टेलीग्राम पे डालूंगा, अभी कुछ दिन पहले, महज कुछ दिन पहले मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में कहा था, किसी दिन एक्सीडेंट में मारा जाऊं तो समझ जाना मेरी हत्या हुई है, मेरा एक्सीडेंट नहीं हो सकता, और ये बिल्कुल वही हो गया, धड़ाम से एक्सीडेंट की शक्ल देने का प्रयास किया गया, और कुछ दिन पहले ही मैंने ग्रुप के अंदर अपने कहा था कि जिस दिन एक्सीडेंट में मारा जाऊं तो समझ जाना मेरी हत्या हुई है, मैं मरा नहीं हूं। खैर, ये सब चलता रहेगा और ये काम भी इसी प्रकार चलता रहेगा, ठीक है, गिव एंड टेक। कैन यू फाइंड आउट एंड शेयर एड्रेस ऑफ अजीज खान, हाँ है हमारे पास में एड्रेस, पर अभी नहीं देंगे, इन्वेस्टिगेशन के बाद आवश्यकता होगी तो करेंगे, ठीक है ना। आप सुदर्शन न्यूज़ क्यों नहीं ज्वाइन करते, आग लगा देंगे आपकी आवाज़ को, आप बड़े प्लेटफॉर्म चाहिए, आप न्यूज़ साइट भी बनाइए एक, बिल्कुल बनाएंगे, शुभम शर्मा के आपके लिए, जज्बे को मेरा सलाम है, अ ट्रू इंस्पिरेशन फॉर ऑल अस, जी बिल्कुल, ठीक है ना। आपके पड़ोसी आपके लाइव नहीं देखते क्या, आप ये मत पूछिए, ये मत पूछिए, देखते भी हैं, शेयर भी करेंगे फिर बता देते हैं, ये तो हमारे भाई साहब हैं, हमारे पड़ोस में ही रहते हैं, मेरे बड़े अच्छे संबंध हैं, तो फ़ोन मैं बताया ना, फ़ोन लगा देते लोग स्पीकर फ़ोन पर, भाई साहब ऐसा होता है, हम लोग अति उत्साह में अपने लोगों का नुकसान कर जाते हैं, वो नहीं करना चाहिए, इस चीज़ को हमको ख्याल रखना चाहिए, है ना। कोई भी हो, मैं हूँ, पुष्पेन जी है, कोई भी है, वो कब आते हैं, कब जाते हैं, कहाँ जाते हैं, दिलीप राम जी, मेरा एक निवेदन है आप दिलीप राम जी और आप सभी लोगों से, जब आप कंट्रीब्यूशन करते हो तो सर पेपाल पे कर दो, कोई फ़ायदा नहीं है सर, 45 आना है आपके इसमें से ना। सर गुड टू सी यू, यू आर सेफ एंड साउंड एंड आवर प्रेयर्स वर्क्ड व्हेन गॉड इज़ विद यू, व्हाई वरी, जय श्री राम, बिल्कुल दिलीप राम जी, बिल्कुल भगवान राम है तो फिर कोई चिंता की बात ही नहीं, पेपाल से कर दिया कीजिए सर, है ना, paypal.me/nitinshuklajwl पर, है ना, दैट इज़ ईजी।
क्योंकि यहाँ तो 40% प्लस 15% का टैक्स अभी जो नया लगा दिया उन्होंने वो चला जाएगा, क्योंकि आप US में बैठे ना इसलिए। तो ये जिनको जिनको शायद नहीं मालूम है उनको फिर एक बार बता दूँ, यदि आप भारत के बाहर हैं तो ये PayPal एड्रेस है paypal.me/NitinShuklaGWL। पेटीएम भी है patreon.com/NitinShukla। भीम UPI एड्रेस है nshuklain@UPI और ये नंबर 8770720196। जीपे पेटीएम फ़ोनपे राइट। यहाँ क्यों ज़बरदस्ती में आप नुकसान करते हैं अपना, आयुष तिवारी जी धन्यवाद, बल्कि हमारा कहूँगा तो ज़्यादा अच्छा होगा ना। कि ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, बगल वाली घंटी बजा लें, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना, उसमें दो एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना।